हेलो एंड वेलकम टू ज़ार कमर्शियल। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। हमने सारे क्वेश्चंस किए, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आफ्टर दैट वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। नाउ आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट्स। सो व्हाट द एडजस्टमेंट इज, अगर आप देखेंगे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था बाहर। जब वो बाहर दिया होता था वो रिकॉर्ड होता था दो जगह। सबसे पहले होता था ट्रेडिंग अकाउंट में और उसके बाद होता था वो रिकॉर्ड बैलेंस शीट में। सो अब वही आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। सो अगर हम डेफिनेशन देखें, सो व्हाट द एडजस्टमेंट इज, द आइटम्स व्हिच आर गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, वो आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं और होते हैं उन्हें दो इफेक्ट्स, सो उन्हीं को हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। सो आई वुड लाइक टू रिपीट माय वर्ड्स, वो आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं और उन्हीं आइटम्स के दो इफेक्ट्स होते हैं। दो इफेक्ट का मतलब कि वो दो जगह रिकॉर्ड होते हैं, या तो वो रिकॉर्ड होंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में से एक जगह, एंड सेकेंड वन बैलेंस शीट। सो लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन। The items which are given outside trial balance and are having double effect are called adjustments. And these items are recorded at two places. The first one is trading account or profit or loss account. और जो दूसरा है वो है balance sheet. तो सबसे पहली adjustment हम उठाते हैं। जो सबसे पहली adjustment हम उठाएंगे, आपको question में बाहर दिया होगा depreciation. जो पहली adjustment होगी, आपको question के बाहर जो दिया होगा, that is depreciation. अगर डेप्रिसिएशन दिया होगा तो सबसे पहले पहला इफेक्ट जो होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और जो दूसरा इफेक्ट होगा ये बैलेंस शीट में पर्टिकुलर एसेट को माइनस होगा। इट्स वेरी इजी। सो जो डेप्रिसिएशन है, सो डेप्रिसिएशन अगर बाहर दी होगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होगी, तो पहला इफेक्ट क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी, एंड द सेकंड इफेक्ट उसी एसेट को ये बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगी। सो चलो क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर वन है, तो देयर इज ओपनिंग स्टॉक इज 100, परचेस ओब्लिक सेल इज 403,000, वेजेस आर डायरेक्ट एंड सैलरी इज इनडायरेक्ट। व्हेन यू टॉक ऑफ लैंड, लैंड इज एसेट, बिल्डिंग इज एसेट, मशीनरी एसेट, कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड जो कि हम दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर एसेट है और क्रेडिटर लाइबिलिटी है। सो अगर आप बाहर देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिया है 300, जो कि बाहर दिया है इसके होंगे डबल इफेक्ट। तो सबसे पहला इफेक्ट है ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड द सेकेंड वन जो दूसरा इफेक्ट है ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। और जो इसके बाद दिया है ये कह रहा है डेप्रिसिएट मशीनरी बाई 10%, आप मशीनरी को डेप्रिसिएट करें 10%। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10%। अगर हमें मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 10%, तो सबसे पहले ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो दूसरा पॉइंट है यही डेप्रिसिएशन फिर बैलेंस शीट में मशीनरी को माइनस हो जाएगी। और जो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाई 20%, पहले ये डेप्रिसिएशन आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर यही डेप्रिसिएशन होगी माइनस बैलेंस शीट के एसेट साइड से बिल्डिंग में। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। So when you talk of trading account, so you know all the steps. The first step is sale. जो sale हम दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं यहाँ से buy sale. अगर हम question देखेंगे तो sale है हमारी 3,000. Okay, the first step is sale. Now the second step is closing stock. You know, मगर ये closing stock बाहर दिया होता है,
बाय क्लोजिंग स्टॉक, बट एक क्लोजिंग स्टॉक है 300, इससे हम लिखेंगे ए। ए मीन्स एसेट। तो पहले दो स्टेप्स है, पहला है सेल और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। द थर्ड स्टेप इज ओपनिंग स्टॉक। बेटा अगर ओपनिंग स्टॉक हम देखेंगे क्वेश्चन में, दैट इज 100। इसके बाद हम लिखते हैं परचेजेस, और जो कि है 400। एंड आफ्टर दैट स्टॉक ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम क्वेश्चन में देखें डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है, सो वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि है 50, सैलरी इनडायरेक्ट है, बस क्वेश्चन तो इतना ही ट्रेडिंग अकाउंट है। और हम इसे बैलेंस करते हैं 3300, ये लिखेंगे 3300, ये साइड बड़ा है इससे, सो वी विल राइट हियर ग्रॉस प्रॉफिट 3300 माइनस 550, सो यहाँ पे जीरो आएगा, सो 2750 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। और यही ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ से फिर लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 2750। तो सबसे पहला हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट्स इनडायरेक्ट इनकम। इफ यू एनालाइज दिस क्वेश्चन कि वहां पे क्रेडिट साइड से कुछ भी इनकम नहीं दी है, सो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देयर इज सैलरी, बट आई जो सैलरी है दैट इज 50, और कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई जो ट्रायल बंस में दिया है। लेकिन हाँ, अलबत्ता जो आज की जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट मशीनरी, बेटा यहाँ पे आएगी डेप्रिसिएशन। और सबसे पहला है मशीनरी, बेटा मशीनरी पे कितना है 10% ऑफ, जो मशीनरी है दैट इज 2600। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 260, मगर यहाँ पे लिखूंगा मैं एम माइनस। M माइनस मीन्स मशीनरी को आप करेंगे ये बैलेंस शीट में माइनस, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। इसके बाद जो है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है उस पर है 20% ऑन, हाउ मच द बिल्डिंग इज 400, सो वो आता है आपका 80, मगर इसे आप लिखेंगे बी माइनस। बी माइनस का मतलब है बैलेंस शीट में आपको करना है ये बिल्डिंग को माइनस। फिर इसके बाद और कोई आइटम है नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो यही साइड बड़ा है, सो 2750, तो यहाँ से भी लिखेंगे आप 2750, दिस माइनस दिस ऑल एंड यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट 2750 माइनस ये 0390। That's equal to 2360. So ये आपका आया net profit. अगर आप देखेंगे question में, so this is your net profit. And after that, what we have to prepare balance sheet. So हमें बनाना क्या है? So हमें बनाना है. So balance sheet. So बनाएंगे हम बेटा balance sheet as से लिखते हैं liabilities, यहां से लिखते हैं assets। So balance sheet का जो पहला step है वो है capital, आपको capital लेना है पहले। सबसे पहले आप लेंगे capital, जब आप capital लेंगे जो capital है that is 800, और उसे फिर आप add करेंगे net। बेटा जो नेट प्रॉफिट है वो आपका निकला 2360, लेस करते हैं आप ड्राइंग जो कि है नहीं, सो 06831, सो दैट्स इक्वल 3160। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे कोई भी लाइबिलिटी है, सो लाइबिलिटी है सिर्फ एक, दैट्स क्रेडिटर। सो क्रेडिटर है आपका 1200।
अब एसेट में देखेंगे सबसे पहले लैंड, लैंड की कोई एडजस्टमेंट है नहीं, जो आप लैंड लिखेंगे बेटा लैंड है 1000, ओके। हाँ इसके बाद बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग का वैल्यू था बैलेंस शीट में 400। अब वही 400 में से आपने इसे 80 माइनस करना, आप लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 80, तो अब आपकी बिल्डिंग है 320, बिकॉज 400 की बिल्डिंग थी आपने, उसमें 80 आपने माइनस किया, तो आपकी जो बिल्डिंग बची वो बची आपकी 320। एंड आफ्टर दैट मशीनरी, मशीनरी आपकी है 2600। अब मशीनरी में आपकी डेप्रिसिएशन होती है बेटा, डेप्रिसिएशन होती है 260, तो 0 दैट्स 4 3 = 2340, ये आपकी मशीनरी बच गई। तो आज आपके ये दो पॉइंट्स जो आपके नए पॉइंट्स थे, सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन ले ली मशीनरी में 260, वही 260 आपने यहाँ पे माइनस किया, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 80 ले ली, वही 80 आपने माइनस किया। सर इससे पहले भी तो डेप्रिसिएशन था, उसके दो इफेक्ट्स क्यों नहीं थे, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता था, आज जो डेप्रिसिएशन है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है, सो दैट्स व्हाई दे आर रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। मैं फिर से बताता हूँ, डेप्रिसिएशन बाहर दी थी इसीलिए हमने ये दो जगह रिकॉर्ड की, सो मशीनरी भी आ गई डेप्रिसिएशन, एंड आफ्टर दैट देयर इज डेटर, सो डेटर जो है दैट इज 400, ओके। एंड वन मोर पॉइंट, दैट दिस क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे, अगर आप ये भी देखेंगे, सो इस क्लोजिंग स्टॉक के होते थे ना दो इफेक्ट, वहाँ पर एक यहाँ पर एक, सो अगर आप टोटल करेंगे यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस है, सो यू कैन ड्रॉप ए कमेंट, और आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अपना टेक्स्ट या अपना जो क्वेश्चन है आपको, आप मुझे सेंड करें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं कल ही अपलोड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।